हेलो मेरे टिकटॉक के चाहने वालों, मैं हूं टिकटॉक का VFX ट्यूटोरियल स्टार्ट एच अरमान। तो यार भाई कैसा लगा डायलॉग? सॉरी पहली बार ट्राई किया था, आपको अच्छा नहीं लगा होगा। चलो छोड़ो यार, ये वीडियो बनाकर एक बंदे ने टिकटॉक पर अपलोड करा था और उसके वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आए हैं और ये लड़की टिकटॉक पर अभी आग की तरह वायरल भी हो रही है। और इसके साथ मैंने भी एक वीडियो बनाकर अपलोड करा था जिसमें मेरे वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज आए। तो मैंने सोचा इस वीडियो का ट्यूटोरियल आपको दिया जाए क्योंकि अभी ये नया और एक बंदे का ट्रेंड में भी है, तो आपको भी बना देना चाहिए। ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन करना है और आपको ये वाला फ्रेम चूज कर लेना है। और ये वाला फ्रेम चूज़ करने के बाद गाइज आपको पता ही है, सीधा आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा मीडिया का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है मीडिया वाले ऑप्शन पर। और मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक वीडियो डाउनलोड करना पड़ेगा जिस लड़की का नाम, मतलब नाम तो उतना नहीं पता, बस इसकी जो आईडी है वो है ब्यूटी खान के नाम से। तो इसका जो वीडियो है विदाउट वाटर मार्क, मतलब विदाउट टिकटॉक के वाटर मार्क का मैंने डाउनलोड करके रखा है। और इस वीडियो का जो डाउनलोड लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक पे क्लिक कर लेना भाई। और क्लिक करने के बाद डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद मतलब इस वीडियो को आपको काइन मास्टर में ऐड करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा जो मेरा वीडियो, मतलब जो आप अभी वीडियो देख रहे हो उस वीडियो का जो टाइटल लिखा है उस टाइटल पे क्लिक करोगे तो मेरा डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग को डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, और स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया का ऑप्शन आपको शो होगा, तो यार मीडिया वाले ऑप्शन पर सिंपली जाएंगे। अब हमको बारी है अपनी वीडियो मतलब ऐड करने की। तो यार बहुत लोग बोलते हैं भाई तुम इतना परफेक्ट वीडियो बना देते हो, तो यार भाई देखो मैं एक वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ और जो उसमें सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है वही वीडियो मैं लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 15 वीडियो शूट किए हैं इसी ओरिजिनल साउंड पे, और एक ही वीडियो परफेक्ट बना है वो भी लास्ट वाला। मतलब अभी क्या है ना, उतना परफेक्ट ये भी नहीं बना है, मेरा ग्रीन स्क्रीन जो है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं आया है, मतलब थोड़ा क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश का मौसम चल रहा है मेरे गांव में, तो हल्का मतलब धूप नहीं निकला इसके वजह से, फिर भी परफेक्ट वीडियो है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस वीडियो का वो मिला लेता हूँ, मतलब पोजीशन जहाँ से मैंने एक्टिंग स्टार्ट कराए। तो यहाँ तक मैं सिर्फ वीडियो में खड़ा था, यहाँ से मैंने एक्टिंग स्टार्ट कराए जहाँ से मैं डर रहा हूँ, ऐसा पीछे हट रहा हूँ, यहाँ से मैंने एक्टिंग स्टार्ट कराए। तो बिल्कुल इसी पोजीशन से मैं वीडियो को कट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर चलिए हम वीडियो को कट कर लेते हैं भैया। तो यार मैं उस पोजीशन को पकड़ लूँगा, मतलब ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, पकड़ लूँगा ही लेकिन। तो यहाँ पे उस पोजीशन को पकड़ना है जहाँ से मैं डर रहा हूँ, ये वाला पोजीशन। तो आपको लेयर को हल्का सा जूम करना है अगर आप नहीं पकड़ पा रहे उस पोजीशन को, तो ये पोजीशन, ये वाला जो पोजीशन है बिल्कुल इसी पोजीशन, चलिए मैं ये वाला यहीं से ले लेता हूँ, बस ये वाला पोजीशन थोड़ा सा परफेक्ट रहेगा, यहीं से मैं ले लेता हूँ। तो यही पोजीशन पे आके इस लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची वाला ऑप्शन पे जाना है और इसको कर देना है स्प्लिट एट प्लेहेड, और जो हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसको हम कर देंगे डिलीट। तो यहाँ पे जो ये फालतू का पार्ट है इसको हम डिलीट कर लेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट है। और इस वीडियो को खिसकाते हुए हम स्टार्टिंग में लाएंगे, और स्टार्टिंग में लाने के बाद आप देख सकते हो अब इस वीडियो को बारी है रोटेट करने की, क्योंकि मैंने एक्टिंग गलत साइड से कर दिया है जैसा कि आप देख रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसी लेयर पे क्लिक करके रखे तो यहाँ पे मिररिंग, रोटेट मिररिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे ये पहला वाला होना चाहिए, लेकिन ये पहला वाला कुछ उल्टा काम कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो मेरा वीडियो उल्टा हो जा रहा है। तो यहाँ पे पहला वाला वर्क नहीं, हम दूसरे से ट्राई कर लेंगे, दूसरे वाले पे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और हम इस साइड आ गए हैं। अब हमारा जो मेन काम है वो हमको ग्रीन कलर रिमूव करना है इस वीडियो को थोड़ा सा जूम करके। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को जूम कर लिया है, अब ग्रीन कलर रिमूव करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, मतलब क्रॉपिंग पे आके आपको क्रॉप कर लेना है, मतलब जितना आपका ग्रीन इस कलर है, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट मेरे वीडियो में दीवाल उवाल आ गए हैं, अगर आपके वीडियो में पूरा ग्रीन ही है तो आपको यहाँ पे क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरे में थोड़ा सा दीवाल उवाल आ गया इसके लिए क्रॉप करना पड़ रहा है। अब हम ग्रीन कलर हाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रीन इस कलर पे मतलब अपने लेयर पे क्लिक करूँगा, अपने वीडियो वाले लेयर पे, और यहाँ पे एक पोजीशन ढूँढूँगा जहाँ से मेरा चेहरा अच्छे से दिख रहा हो, क्योंकि चेहरा अच्छे से दिख रहा होगा तो ग्रीन कलर जब वो हाइड करने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। तो यहाँ से मेरा चेहरा दिख रहा है प्रॉपरली और ग्रीन कलर भी दिख रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में क्रोमा की वाले ऑप्शन पे हमको चलना है,
और यहाँ पे की कलर हमको चूज़ करना है ग्रीन कलर का, क्योंकि हम ग्रीन कलर हाइड करने वाले, तो आपको ग्रीन कलर का ये चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको कर देंगे इनेबल। यहाँ से आप देख सकते हो, इसको इनेबल करने के बाद सिंपली आपका ग्रीन कलर जो है वो हाइड हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। अब यहाँ पे पूरी प्रॉपर तरीके से हाइड होता नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको सेटिंग करके मैनेज करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से हाइड भी हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, हम इसको इधर खिसकाते हैं और वो वाला पॉइंट हल्का सामने इधर लिया था, और अभी आप देख सकते हो प्रॉपरली जो आपका ग्रीन कलर है वो हाइड हो चुका है, और यहाँ पे वीडियो मतलब बन भी चुका है, आप देख रहे हो। मतलब यार, जब तक आपका ग्रीन कलर प्रॉपरली हाइड नहीं होगा तो आपका ये वीडियो अच्छे से नहीं बनेगा। तो आपको प्रॉपरली हाइड करना है, मतलब थोड़ा सा टाइम दे देना ग्रीन स्क्रीन वाला सेटिंग में, तो प्रॉपरली हाइड हो जाएगा और आपका वीडियो भी अच्छा बन जाएगा। अब हम चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा जूम वूम कर लेते हैं, मतलब जितना हमको पोजीशन सेट करना है, मतलब उस हिसाब से हम इस वीडियो को जूम वूमिंग रख लेंगे ताकि अच्छे से हमारा पोजीशन सेट हो पाए इस वीडियो पर। तो यहाँ पर हमने इतना इसको सेट कर दिया। चलो अब मैं वीडियो को प्ले करके देखता हूँ स्टार्टिंग से कि हमारा वीडियो अब तक कैसा बना। वैसे तो वीडियो हमारा बिल्कुल परफेक्ट ही बना होगा, फिर भी हम एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ से हल्का फुल्का ग्रीन कलर आ रहा है, तो हमको क्या करना है, इस वीडियो में फ़िल्टर मार देना है। तो यहाँ पर हम फिल्टर मारेंगे तो ये मतलब और भी अच्छा लगेगा, हमारा ये शक्ल थोड़ा सा काला टाइप में आ रहा है, क्योंकि हमने जब वीडियो को रिकॉर्ड करा था तो यार धूप ऊप नहीं है, मतलब हल्का सा अंधेरा टाइप में, इसके लिए ऐसा आ रहा है। तो यार आप अच्छे से शूट कर लेना, मेरा तो अच्छे से शूट हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम है मेरे गाँव में, इसीलिए। अब यहाँ पे इस वाले लेयर पे क्लिक करके मैं चलूँगा यहाँ पे, इसको फ़िल्टर करूँगा। कलर एंड फिल्टर पे जाने के बाद यहाँ पे ये जो वार्म वाला ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे 0.5 मतलब ये 0.5 वाला मैं फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छा फ़िल्टर है, शर्ट का कलर थोड़ा हाईलाइट कर देता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हमारा वीडियो कुछ ऐसे फ़िल्टर में हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक और फ़िल्टर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एडजस्टमेंट का ऑप्शन, तो यहाँ पे इसको हल्का सा इनक्रेज कर दूंगा मैं दूसरा वाला, और हल्का सा ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हो अगर चाहो तो। उसके बाद तीसरा वाला भी हल्का सा जूम कर ले, मतलब बढ़ा लेना, इससे क्या होता है फेस पे थोड़ा रेड टाइप में आता है, और ये लड़की का फेस भी हल्का रेड है, तो सेम मैच कराने के लिए मैंने इस फिल्टर को लगा दिया है। तो अभी मतलब थोड़ा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है जैसा कि आप देख रहे हो, और हमारा वीडियो प्रॉपरली बन भी चुका है। बस अभी इस वीडियो को आपको अपने फ़ोन में सेव करना है, यहाँ पे शेयर वाला बटन मिलेगा, शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है, फुल HD में आपको एक्सपोर्ट कर देना है, और ये वीडियो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। लेकिन भाई सेव होने से पहले यार रुको, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन को ब्लू कर दो, सब्सक्राइब बटन को ब्लैक कर दो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता भी देना।